उम्मी का मतलब वो शख्स है जो लिखना पढ़ना नहीं जानता। और जब हम एक ज़बान में एक लफ्ज़ का तर्जुमा करते हैं तो उसके मुख्तलिफ तर्जुमे मुख्तलिफ हालात और मुख्तलिफ कैफियतों से आते हैं। तो इसका तर्जुमा अनपढ़ भी आता है, और अनपढ़ चूँकि इलिटरेट और जाहिल होता है तो लुगत के एतबार से इसके तर्जुमे में जाहिल और अनपढ़ दोनों अल्फाज आ जाते हैं। अब नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जब उम्मी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है तो उसका मतलब ये होगा कि आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, और ये अदब और सलीके के हवाले से इसको इसी मायने में इस्तेमाल किया जाएगा। आप देखें कि जैसे अरबी ज़बान में क्या, उर्दू इंग्लिश हर ज़बान में एक लफ्ज़ के एक से ज़्यादा मानी होते हैं। मसलन जैसे सूरह रहमान में अला, अला का मतलब ये है कि नेमतें, अल्लाह के करामात, अल्लाह के मौजज़ात, तो इसको मुख्तलिफ मानी में मुख्तलिफ आयात में फिट इन किया जाता है। रूह जो है वो मुख्तलिफ मानी में इस्तेमाल होती है। रूह से मुराद जो है एक हमारे जिस्म की रूह है, रूह से मुराद वही है, रूह से मुराद रूहुल अमीन हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम है। तो मुख्तलिफ जगहों में मुख्तलिफ अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। तो लिहाजा इसी तरीके से उम्मी का एक मतलब वो शख्स है जो लिखना पढ़ना नहीं जानता, लेकिन साथ ही उसका मतलब अनपढ़, इलिटरेट, अनएजुकेटेड, जाहिल हैं। तो जो हालात या जो वो जुमला चल रहा होता है उसमें उसी की मुनासबत के हवाले से वो तर्जुमा इस्तेमाल हो जाता है।